लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बात हुई तुम्हारी? अरे बीबी आ जाएगा वो। कब आएगा? कब से बोल रहे हैं यार? कौन जो भी हुआ, अरे मैं कह रहा हूँ तुम्हारी ब्रीफिंग मिस नहीं होगी, ठीक है? इट्स ऑलरेडी 12। बाबा मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। देख रहे हो कॉल पे कॉल आ रहे हैं इन लोगों के, इनको क्या बहाना दूं मैं? कोई बहाना मारने की जरूरत नहीं है, वो 10 मिनट में पहुंच जाएगा और जैसे भी होगा वो। आई होप सो। सर क्या हुआ? जस्ट श्योर नहीं है क्या रिलेशनशिप को लेके, मूविंग को लेके? वापस चले जाओ बैंगलोर। कम ऑन, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट यार ये बॉक्सेस, मेरा पास्ट, माय एक्स यार, ध्रुव और मेरे सारे मेमोरीज ने इस घर के हर कोने में बसी हुई है। ये सर just too much to take. मैंने इस घर में मूव इन करना नहीं चाहिए था, मैं कोई और घर देखना चाहिए था। It was just a stupid idea. इतना बड़ा घर, इतना सुंदर घर छोड़ के तू क्यों कहीं जाएगी? जाना होगा इन मेमोरीज को। I have an idea. जब पास हूँ मैं, बस तेरे साथ हूँ, मेरे हर दिन जो होती शुरुआत तू हो। तो ये है फक बैड मेमोरी वॉल। तेरी लाइफ में कोई भी पर्सन, प्लेस, लोकेशन, सिचुएशन बैड मेमोरी से जुड़ी है तो मुझे बता, मैं उसे गुड मेमोरी में बदल के उस पे अपने प्यार का टैग लगा के इस वॉल पे चिपका दूंगी। और अगर तू ऐसे ही मेमोरी वाइप करती रही तो बेटा मेरी लिस्ट जो है ना वो बहुत लंबी है।
मेरा दिल भी बहुत बड़ा है और ये वॉल भी बहुत बड़ी है, हम इस पे चिपका लेंगे। You're very stupid. You're a vile beast, dude. बारिश हो गई जॉनिता, क्या बस आने वाली होगी। हो क्या गया था तुम्हें अचानक रात को, क्या हो गया था? इतना पैशन, इतना पागलपन, एवरी सेकेंड। आपके इस घर में शिफ्ट होने की खुशी में आपको पेश किया जाता है ये शानदार गेम, क्वेश्चन एंड आंसर। नो केसर प्लीज, हम कुछ और खेल सकते हैं? नहीं, इट्स अ फन गेम और हम यही खेलने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन, हम पहली बार कहाँ मिले थे? रेडी? करेक्ट, कंग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक दूसरे के फेवरेट चाइनीज फूड का नाम लिखना है। रेडी? योर बोरिंग हुनन पनीर, चिली प्रॉन्स। अच्छा अच्छा, मैं गेम को थोड़ा सा फन बना देती हूँ। कभी अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते टाइम किसी और के बारे में सोचा है? What? No, 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 never. Course not. अरे कुछ भी यार, केसर। Oh my God, तुमने पॉज लिया, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। बेबी, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कितना बकवास गेम है ये। क्विज किस लिए बना है? कपल्स को पास लाने के लिए, उनके बीच में लड़ाई करवाने के लिए? नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम बात को टालो ना। तुमने पॉज लिया, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मेरे साथ सेक्स करते टाइम किसी और के बारे में सोचते हो? यार दिस इज नॉट फेयर। तुम किसके बारे में सोचते होगे? योर एक्स जानवी? नो 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 नो, आई नो। तुम अपनी वो क्या नाम है, तुम्हारे ऑफिस में क्या नाम है उस बंदी का, अनन्या? तुम अनन्या के बारे में सोचते हो ना? द हेल केसर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मतलब अभी तुम इतनी अंतर्यामी हो गई हो कि किसी बंदे ने हल्का सा पॉज लिया तो तुम फिगर आउट कर सकती हो उसके दिमाग में क्या चल रहा है? आई मीन फक डूड, और मुझे लगता है कि हम दोनों को साथ में मूव इन करना ही नहीं चाहिए था, गलती थी हमारी। आई बिलीव यू जस्ट सेड दैट। यार इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत, तुम्हें पता है ना कि मैं मजाक कर रही थी, तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? अगर तुम्हें गेम नहीं खेलना तो नहीं खेलते ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि हम पहली बार कहां मिले थे? क्लब नास्टी, बैंगलोर। या रूप से झगड़ा करके मैं बैंगलोर गई थी किसी काम से। And I met you. Wow. And I met the love of my life. Okay. So second question is. Hey, wait a minute. सेकेंड क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, मुझे भी देखना है कि तुम मुझे कितने अच्छे से जानती हो। ट्राई मी बेबी। मेरा फेवरेट चाइनीज फूड क्या है? चिली प्रॉन्स। ए, मुझे इतने कम टाइम में इतने अच्छे से जानने के लिए थैंक यू। एक रिलेशनशिप में मुझे जो कुछ भी चाहिए था, यू गेव मी एवरीथिंग। So bad memory wipe hui? Of course. Okay then. Ready? Yeah. I hate Chinese, but I love you. And I love you too. We are okay, right? यार कितना लेट हो रहा है, कब आएगा कैब वाला? यार और कोई कैब क्यों नहीं शो हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। गॉड,
हेलो, हाँ जी भैया, हाँ आप आ रही है ना? आई नो प्रॉब्लम है, प्लीज आ जाइए. ठीक है, ओके, आ रहा है. बैठ जा आराम नाल. आप भी बैठ जाओ. आ गया तेरे पुत्र दफ्तर. हाँ कुलदीप पुत्र, सत श्रीकाल पुत्र, क्या हाल ने तेरे? नहीं 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 बेटा, असी नहीं आ रहे. बड़ी मुश्किल ना था तुहानू दोनों नू छुट्टी मिलती है. किसी चंगे जे रिसोर्ट जाके इंजॉय करो. क्यों असी बुढ़ा बुढ़ी नू उत्थे बुला के अपनी प्राइवेसी खत्म करना चाहते हो? समझने की कोशिश करो केसर. अच्छा सुनना, प्लीज मेरी बात सुनो केसर. तुमने अपना लिबाम रखा, एक मुझे पता है तेरे को उसकी बिना नींद नहीं आती. केसर आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरे मम्मी पापा ऐसे बिना अनाउंसमेंट के यहाँ पे आ जाएंगे और तुम्हें तुम्हारा ही घर छोड़ के अपने फ्रेंड्स के यहाँ रहने के लिए जाना पड़ेगा. यू नो तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरी प्रॉब्लम ये है कि तुझे पता ही नहीं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. वो टॉप पास कर मुझे. केसर प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि मैं जब अपने मम्मी पापा से तुम्हें मिला सकती तो तुम अपने मॉम डैड से मुझे क्यों नहीं मिला सकते? Are you serious about this relationship? उसके सर मैं सीरियस हूँ रिलेशनशिप के लिए और अपने मॉम डैड को बताने वाला हूँ, लेकिन honestly speaking मैं मुझे एक बात का डर है. डर किस बात का? We bloody moved in together यार. प्रॉब्लम यही है केसर कि हम जब से एक साथ मूव इन हुए हैं तो एक भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन हमारा झगड़ा ना हुआ, जिस दिन हमारा आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ है. आर्ग्यूमेंट? लिसन ध्रुव, जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे इस रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिटी चाहिए. मैं दूंगा क्लैरिटी, लेकिन मेरी बात तो समझने की कोशिश कर केसर. केसर अच्छा सुन, मैं तेरे लिए कैब लेके आ जाता हूँ फटाफट से. मैं चली जाऊँ, वैसे तुझे तो मेरे सामान छुपाना है ना. केसर आई नो कि तेरी जगह कोई और गर्लफ्रेंड होती ना तो ये सब नहीं करती. ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा. बस एक बार मम्मी पापा. ध्रुव कभी एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच करते. मुझे भी मिलना है तेरे मम्मी पापा से. यस सर. सरप्राइज. हाय आई एम केसर. हाय यार, बहू तो सच में बहुत हॉट है. मॉम स्टॉप इट. इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन. अरे मॉम इतनी बूढ़ी नहीं हूँ. अच्छा पैरी पौना हो गया हो तो तारो शुरू करो प्लीज प्लीज प्लीज. अब डोंट वरी, जजमेंट का बिल्कुल नहीं हूँ. मैं कोई वृद्ध आश्रम जाने वाली सास बिल्कुल नहीं हूँ. आजकल की मॉडर्न सासों क्लब जाने वाली. मुझे पता है तुम दोनों लिव इन में हो और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो. सच कहो, सोसाइटी की बिना कोई परवाह किए इसी तरह हाथों में हाथ डालकर जिंदगी भर साथ देना. प्रॉमिस? प्रॉमिस. इसी बात पे सबसे पहले हम गुड मेमोरी बनाएंगे. ओके ओके स्टॉप. क्योंकि सास और बहू थे टल्ली. एंड आई लव यू मॉम. एंड आई लव यू. क्या करी? अरे क्या करी? क्या कर रही हो तुम? ये पागल हो गई हो क्या? I swear to God, केसर ये लड़की नशे में है. ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रही है. इनफैक्ट मैं तेरे पास आने ही वाला था. कुछ बोलो ना उसको, वो खड़ी है सामने.
मैं तुमसे बाहर मिलती हूँ। अरे कहाँ बाहर मिलती हूँ? सर मैं सच कह रहा हूँ, वो लड़की मुझे किस करने की कोशिश कर रही थी। प्रूव कर सकता है क्या कि तू नहीं, वो लड़की तुझ पे जबरदस्ती कर रही थी? रियली केसर, तुझे क्या लगता कि मैं इतना डेस्परेट हूं कि अपने घर में किसी और लड़की के साथ? तेरा मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना, वो कोई मतलब नहीं हम दोनों का साथ में रहने का। व्हाई आर यू सो जेलस? आई एम नॉट जेलस, आई एम पजेसिव बिकॉज़ आई लव यू। कम ऑन केसर। मैंने क्या बोला? मैंने बोला बस प्रूफ करने के लिए तू हमेशा इतना ओवरएक्ट क्यों करता है? दिस इज नॉट पजेसिवनेस, दिस इज फकिंग टॉर्चर, अंडरस्टैंड? लीविंग। How are you? Good, good, good. Welcome. Thank God तू आ गया यार। पता है मेरे को एक फाइल देने के लिए ऑफिस जाना पड़ता। No problem आ गया यार। It's okay, मैं HR से बात करके ना तुम्हें paid leave दिला दूँगा। Thank God. तू दो मिनट बैठ, मैं एक मिनट में आई। Next scene. Roshan, no way. He likes you. वो Bangalore में मेरे साथ काम करता था यार, ऑफिस में। पता है ना बैंगलोर से तेरे वजह से यहाँ पे आया। He likes you. ऐसा क्यों लग रहा है? अच्छा तुझे पता है ना ध्रुव के साथ मुझे मेरी इसी चक्कर में ना झगड़ा होता था, तू भी वही काम कर रही है। And you know I get jealous. It's not jealous baby, it's possessiveness. तो चल मेरे साथ। अच्छा कहाँ लेके जा रही है मुझे? खाती हूँ तुझे। रोशन, मेरी गर्लफ्रेंड को लगता है कि तू मुझे लाइक करता है, सो आज से तू मेरा भाई। और कहाँ गई? कुछ तो था मेरी पॉकेट में। I got it. चल हाथ आगे कर। ओके? यही नहीं, दुनिया के सारे मर्द मेरे भाई। ओके? तुझे छोड़ के दुनिया की सारी औरतें मेरी बहन। खुश? अब इस मोमेंट को मेरे भाई के साथ कैप्चर कर लेते हैं। गुड मैम, कम है। मना है। फसा दिया बेचारे। क्या है तेरे भाई का नाम? रोशन को। थैंक यू फॉर क्रिएटिंग सच गुड मेमोरीज। आई लव यू। चलो जी गड्डी आ गई। हाँ ये भी पकड़ूंगा यार। एक बार और कॉल करो ना ड्राइवर को, हम सुपर लेट ना हो। कॉल पे कॉल आ रहे हैं लोगों के। ऑल द कैब्स आर डिलेड, यू नो कुछ ड्राइवर्स का पंगा हुआ है एयरपोर्ट के पास। रियली? या फक यार, थैंक्स बाय द वे। यू आर वेलकम। उसी वाली लड़की की स्किन देख कितनी अमेजिंग है। दीदी का सुनना यार। अच्छा सुन सुन सुन, ये देख मम्मी ने तेरे फेवरेट आलू के पराठे बनाए। अरे तेरा गुस्सा मुझ पर है ना, इन पराठों की क्या गलती? तू मुझे एक बार फाइनल बता कि तू श्रेया के बर्थडे पार्टी पे जा रहा है कि नहीं। यार मैंने उसे हाँ बोल दिया है। तो ये पराठे भी जाके उसी को खिला देना।
तेरी प्रॉब्लम क्या है यार श्रेया के साथ? आई डोंट गेट इट। उसने मेरा बर्थडे बर्बाद कर दिया था। अब तो या तो तू जाके उसके बर्थडे पार्टी में रह या तो मेरे साथ रह। युविका यार एक बर्थडे है, इट्स नॉट अ बिग डील। एक्सक्यूज मी, बर्थडेज आर नॉट अ बिग डील फॉर यू राइट? Happy birthday to me. Happy birthday, dear Kesa. Kiss. Baby. I'm sorry. वो ऑफिस में ना इतना काम था कि मैं बर्थडे भूल गया। I know. मुझे पता है तू बर्थडे भूल गया। इसलिए तो मैंने सारे डेकोरेशन तेरे बिहाफ पे किया है। फ्रिज में तेरे लिए ना बियर रखे जा, ले क्या बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। एक घंटा बचा है मेरे बर्थडे का, एक घंटा। बेबी केसर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। केसर केसर फास ये ध्रुव तो समझ नहीं रहा है, इस बर्थडे में ना हैप्पी कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मेरे लाइफ में कुछ है। कल 12 बजे से मैं इंतजार कर रही थी साहब जो विश करेंगे, लेकिन नहीं साहब तो इंस्टाग्राम पे नंगी लड़कियों के फोटोज लाइक कर। कोई बात नहीं, मुझे लगा सुबह विश करेगा, लेकिन नहीं सुबह तो साहब निकल ली ऑफिस के लिए हर रोज की तरह। मैं देखती रही दरवाजे की तरफ कि सब आप आएंगे, मुझे विश करेंगे, फूल देंगे। यार घंटी बजी थी, दूध वाला आया था, उस चूती ने, दूध वाले ने मुझे तुझसे पहले विश किया। You know what, Dhruv? A fucking waste of time. A wasted my time, my life, my birthday, everything. I thought कि जब तू इस घर पे आएगा ना हम good memories create करेंगे, but you have created only bad memories. Shut up! Shut up! Let me finish. ठीक है, गलती हो गई मुझसे। एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं। गलती? मेरा बर्थडे था, भूल गया? यार होली पे झगड़ा, हाँ दिवाली पे झगड़ा, यार एनिवर्सरी तक भी तूने झगड़ा किया। यार हम लोग ना बेटर ऑफ है ही नहीं, वर्स्ट ऑफ है। तू निकल यहाँ से यार। यू नो व्हाट, जो नॉट बिकॉज ऑफ यू ना मैं अपने बर्थडे रुइन नहीं करूंगी। यू नो आई वांट टू डांस, लेट्स प्ले सम म्यूजिक। सर Happy birthday, dear Kesar. Happy birthday to you.
थैंक यू वेरी मच, पर मेरा बर्थडे एक हफ्ते बाद है। तुझे हम लड़कियों का प्रेम पता तो है, लाइक बर्थडे के लिए कितना खास होता है। आज से हम तेरा बर्थडे पूरे हफ्ते मनाएंगे। यू आर क्रेजी हां। सो बर्थडे है तो बर्थडे गिफ्ट तो बनता है, राइट? यस। ओके। नो वे। या हम बात ही जा रहे हैं फॉर 7 डेज। बट ऑफिस के मैंने छुट्टी ले ली है, वो भी 7 डेज की। ये इट्स माय बर्थडे। I love you too. Okay, so birthday picture to banti hai, right? Yes. Birthday memory. Best birthday ever. Best birthday ever. I love you, Ale. I hate you. अब हमारा साथ में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं कितनी बार सॉरी बोलूं केसर, प्लीज यार, एक गलती तो किसी से भी हो जाती है। एक गलती? यू हैव फक्ड अप एवरीथिंग इन माय लाइफ। यार हर रिलेशनशिप में ना झगड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे झगड़े के बीच बीच में थोड़ी सी रिलेशनशिप बची है। बहुत हो गया ध्रुव, मुझे अब किसी से कुछ नहीं चाहिए। बहुत खेल लिया घर घर, बंद करो ये मेमोरी का खेल। प्लीज प्लीज केसर, देख हम बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे। वी विल वर्क आउट दिस टुगेदर। ओके, तू बस एक बार बैंगलोर से वापस आ जा, आई विल मेक इट अप टू यू। तुम्हें याद है तुम जब पहली बार बैंगलोर आई थी? फेल इन लव, ट्रू लव। 7 दिन में मैं तुम्हारे साथ मूव इन कर गई थी। और तुम्हें याद है जो मैंने तुम्हें फर्स्ट गिफ्ट दिया था? हाँ, जब दो लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं और दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर कोई झगड़ा ना हो, तो मतलब दोनों में से कोई एक झूठ जरूर बोल रहा है। Maybe we love each other a little too much. तभी हम लोगों के बीच में इतने झगड़े होते हैं। I'm so sorry, केसर। मैंने तेरे बहुत सारे डेज खराब कर दिए केसर। एक आखिरी चांस दे दे यार। मैंने बर्थडेज, एनिवर्सरीज, फर्स्ट हग, फर्स्ट किस, सारी डेट्स याद कर ली। अपने मम्मी पापा को तेरे बारे में सब कुछ बता दिया कि सर, पर मैं तेरे अलावा किसी और के पास भी नहीं जाऊंगा। और अंडीज को वापस से रिपीट करना, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन नाउ। केसर बागची, विल यू प्लीज रुइन माय लाइफ? आई मीन, विल यू मैरी मी? आई रियली वांट टू, बट आई कांट। व्हाट डू यू मीन? हमेशा की तरह लेट हो गया ध्रुव। आई मेट समवन इन बैंगलोर और हम साथ में मूव इन कर रहे हैं। Spend your whole life with me. इस पल के लिए मैंने पूरी जिंदगी इंतजार किया और फाइनली इट्स हियर। ओके ओके ओके।
is she? She's just a friend. Friend? You think I'm fool? Huh? I can explain. Explain what? I'm sorry. Get out. I'm sorry. You. Please get out. Okay, sir, I'm so sorry. मुझे एक मौका दो दोगे सर. क्या बात है ये? Please यार, please don't go. Please. एक चांस दे दे. I'm sorry. I'm really sorry. No, Alia, no. Alia, you know, जब दो लोग एक relationship में होते हैं ना, और उनके बीच किसी भी चीज के लिए लड़ाई नहीं होती, इसका मतलब कोई एक झूठ बोल रहा है. And I was too blind to see that. Okay. तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो और हमारे बहुत अच्छे मेमोरीज हैं. Please don't go. Please यार केसर. तुम जानते हो इस लड़की को? So, can I expect a call from you? No. Thanks for being honest. जो होती शुरुआत तू हो की सुबह